Vidhu Jamwal's starrer spy thriller IB71 finally hits the silver screen today. The film revolves around a two-front war between Indian intelligence agencies and the Pakistani establishment. The film is directed by Sankalp Reddy. As now the film is released, let's check out some public reaction. मैम मूवी बहुत अच्छी लगी विधु जमवाल का एक्शन एक्शन बहुत अच्छा है मैम 71 जो है मैंने देखा है अभी और पिक्चर्स ठीक है वन टाइम वॉच है बट इतना भी नहीं है कि एक ग्रेट लेवल क्रिएट कर सके मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी मैंने इसका ट्रेलर देखा था और मुझे ट्रेलर भी बहुत पसंद आया था 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है ये मूवी और उस वक्त जो चाइना का भी एक डर था पाकिस्तान और चाइना का वो दिखाया गया कि एक सिक्योरिटी थ्रेट है और कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं विद्युत जामवाल तो विद्युत जामवाल का रोल बहुत अच्छा है इट्स एन एक्शन थ्रिलर और बहुत ही अच्छा रोल है उनका और मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड एक्टर हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उन्होंने अपना रोल निभाया कोई एक्ट्रेस तो नहीं है इसमें रोमांस नहीं है बट एक्शन थ्रिलर है तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे और मूवी में सभी इंग्रेडिएंट मतलब शुरू से लेकर एंड तक आपको बांध के रखेगी कहीं भी आपको बोर नहीं होंगे आप Now let's see how many stars they gave the movie. Five में. Rating वही 2-3 तक है. Understand. मैं 4 stars दूंगा. विद्युत जामवाल को please support कीजिए. उन्होंने ये movie produce भी की है और उनका role बहुत अच्छा है. Story, screenplay, cinematography, direction सब कुछ बढ़िया है. Performances अच्छे हैं. विशाल जेठवा को और आना चाहिए. And he is not from Bollywood but मतलब आप देख सकते हैं कि उसमें कितना talent है. और वो बंदा हर मूवी से इवॉल्व हो रहा है ही इज़ द सरप्राइज एलिमेंट और विद्युत जामवाल तो है ही बढ़िया अनुपम खेर जी के बारे में क्या करूँ वो तो है ही वर्सेटाइल ही डज अ वाइड रेंज ऑफ रोल्स वेरी एफिशिएंटली वेरी इफेक्टिवली तो बहुत अच्छी मूवी है जरूर देखिए थैंक यू सो मच सर IB71 marks Vidyut turning producer for the first time which elevates the film to new heights. The film also stars Anupam Kher, Vishal Jethwa in pivotal roles. INS report. Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.